Read. Your online students, please confirm if I'm audible. If you confirm, then we can start today's session. Yesterday we had completed in the environment series, we had completed till the question 50, right? So I think that we have to start with the 51st question. Okay, so let us start with the 51st question. Online students, am I audible? Please confirm in the comment section. All the students who are there. Yeah, is the voice crystal clear? Okay, chalo. So consider the following statements. Coal ash contains arsenic, lead, mercury. Right? Abhi coal ash. Coal ash usually kaise banta hai? Humko pata hai. Kahan pe banega ye? Power plants mein banega na, thermal power plants. Clear hai nahi? Coal fired power plants release sulfur dioxide. Ye to humne देखा ही राइट, ये कोई भी फॉसिल फ्यूल है यूजुअली सल्फर डाइऑक्साइड आ रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड एसिड रेन, कल हमने ये भी देखा था पेट्रोलियम में भी है, हमने स्वीटनेस भी देखा था, मतलब ये तो हमको 100% पता है, क्लियर है नहीं? व्हाट हैव दे आस्क्ड, करेक्ट? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? राइट, अभी करेक्ट वाले मतलब ये दो तो चले गए आपके ऑप्शन, क्लियर है नहीं? राइट, हाई एश कंटेंट इज ऑब्जर्व इन इंडियन कोल. हाँ क्यों? क्योंकि हमने इंडियन कोल ज्योग्राफी में पढ़ा हुआ है. The best quality of the coal, which is the best quality? Anthracite. वो इंडिया में मिलता है क्या ज्यादा? हम कौन सा यूज कर रहे हैं? Bituminous. तो ash content ज्यादा ही होगा उसमें. Peat भी यूज करते हैं हम तो. Yes or no? Peat है. Lignite. Yes. Neveli Lignite Company. तो ये भी करेक्ट है सर. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? Right. So now you just have to decide. What about the coal ash? Does it contain arsenic, lead, mercury? Right. 50-50 आपका आ चुका है. आता है क्या? हाँ, ओके, सो वी नो दैट इन फ्लाई ऐश देर आर हैवी मेटल्स. सो अगर ये हमको पता है, आंसर ये आ गया, राइट? इट इंक्लूड्स, देखो ऐश इंक्लूड्स लेड, मर्क्यूरी, कैडमियम, क्रोमियम, आर्सेनिक एंड सेलेनियम. ये और अभी इंपॉर्टेंट क्यों बन जाता है? क्योंकि सारे कंट्रीज बोल रहे हैं ना, वी वॉन्ट टू गो कोल फ्री. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? राइट, इसके लिए इकोनॉमिक्स में हमने देखा अभी तक थर्मल पावर प्लांट, कोल जो है, कोल फायर थर्मल पावर प्लांट, उसमें से कितना इलेक्ट्रिसिटी बन रहा है, कितना हम कोल डिपेंडेंट अभी भी है. कोल कोल में हमारे पास जो रिजर्व है वर्ल्ड में, विच नंबर वी आर रैंकिंग कोल रिजर्व? पढ़ा था ना हमने, थर्ड. यस और नो? राइट, सो ऑल दीज थिंग्स वी शुड बी knowing. Okay, so again, those who are going to give the prelims next year, that is 2024, they should be watching my environment series. Sare sessions acche se aap padh lo, right? So ye dekho, thermal power plants produce large amounts of nitrogen oxide, sulfur dioxide, the pollutants that cause acid rain, right? India's domestic coal reserves have high ash content up to 40-45%. So ye bhi kahi se. चलो बायोचार, यूपीएससी का फेवरेट था बीच में ये, बायोचार. बात बात पे बायोचार पूछा करते थे ये लोग, क्या है बायोचार? राइट, बायोचार कैन बी यूज्ड एज अ पार्ट ऑफ ग्रोइंग मीडियम इन वर्टिकल फार्मिंग. व्हेन बायोचार इज अ पार्ट ऑफ ग्रोइंग मीडियम, इट प्रमोट्स द ग्रोथ ऑफ नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. व्हेन बायोचार इज अ पार्ट ऑफ ग्रोइंग मीडियम, इट एनेबल्स ग्रोइंग मीडियम टू रिटेन वाटर फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. ऑल आर करेक्ट. समझ में आ रहा है नहीं यार? राइट, कैसा है देखो, एकदम रिडंडेंट है फर्स्ट स्टेटमेंट. अगर फर्स्ट स्टेटमेंट ही रॉन्ग है तो ये दो स्टेटमेंट पढ़ने की भी जरूरत नहीं, मतलब वन तो करेक्ट होने ही वाला है. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? क्योंकि ऐसा एक भी ऑप्शन नहीं है ना, नन ऑफ द अबव. क्लियर है नहीं? तो एटलीस्ट ये तो एलिमिनेट कर सकते हो आप. क्लियर है नहीं? अगर बायोचार इज अ पार्ट ऑफ ग्रोइंग मीडियम, इट प्रमोट द ग्रोथ ऑफ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, ये अगर नहीं पता है तो भी ठीक है. Right, then what you can go for, when biochar is a part of growth medium, it enables growth medium to retain water for longer period of time. Okay, so answer here, application hai to all. So biochar hota kya hai? Right, what is biochar? So biochar is nothing but charcoal like material. Kaise produce hota hai charcoal like material?
हीटिंग बायोमास इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. याद रखें, जब भी आप बायोमास हीट करते हो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन व्हाट इज गोइंग टू बी प्रोड्यूस्ड? बायोचार. राइट, द यूज ऑफ बायोचार इन वर्टिकल फार्मिंग कैन इंक्रीज द आउटपुट सिग्निफिकेंटली. क्लियर है नहीं? राइट, इट इज अ चारकोल लाइक मटीरियल. बायोचार हैज पोटेंशियल टू बूस्ट द नेचुरल एबिलिटी ऑफ लिग्यूम्स टू फिक्स नाइट्रोजन इन द सॉइल. काफी यू कैन से न्यूज में था. दैट इज वाई उस टाइम पे जब ये क्वेश्चन आया था everybody could answer this question. This question in fact became a simple question. देखो, biochar is supporting life of nitrogen fixing microorganisms. Right? Decreases the soil nitrogen emission. Also increases nitrogen use efficiency, nitrogen retention in the soil. Because of its porous nature, biochar can improve the soil's water retention. Thereby the plants will have more water. यूपीएससी ने जो पूछा है वो वापस रिपीट कर सकता है. बायोचार के हमने एप्लीकेशंस देखे हैं. बायोचार कैसे बनता है? तो बायोमास को आपको यू कैन से हीट करना है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, एक चीज. दूसरा क्या है कि बिकॉज इट इज पोरस इट इज गोइंग टू इंक्रीज द वाटर रिटेंशन कैपेसिटी. दूसरा क्या है कि नाइट्रोजन फिक्सेशन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो है उनको भी अच्छा यू कैन से ग्रोथ को ये सपोर्ट करेगा बायोचार. क्लियर है नहीं? ओके, वर्टिकल फार्मिंग में यूज किया जाता है. वर्टिकल फार्मिंग के ऊपर क्वेश्चन के रिलेटेड ये आएगा. राइट, ये देखो कैसे कैसे करते हैं हम. ये मॉडर्न पायरोलिसिस प्रोसेस. पायरोलिसिस पढ़ा होगा आप लोगों ने, नहीं पढ़ा है तो पढ़ लो. राइट, इट इज डायरेक्ट थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ बायोमास इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन विच प्रोड्यूसेस मिक्सचर ऑफ सॉलिड्स लिक्विड. राइट, तो देखो विच प्रोड्यूसेस मिक्सचर ऑफ सॉलिड्स. सॉलिड्स मतलब क्या है उसको बोलोगे आप बायोचार. लिक्विड मतलब क्या बोलोगे उसको? बायो ऑयल. एंड गैस मतलब क्या बोलोगे उसको? मतलब आप जब वेस्ट है, हम क्या कर रहे हैं? वेस्ट को दो चीजों में डिवाइड कर रहे हैं. एक तो क्या है वेस्ट? ऑर्गेनिक. और दूसरा जरा प्लास्टिक वास्टिक ये सब जो कुछ होगा वो ऑर्गेनिक जो भी है आपका बायोमास उसको क्या करो? उसको हीट करो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. उसको क्या बोलोगे? पायरोलिसिस. और वो होने के बाद तीन चीजें बनने वाली है. सॉलिड जो बनेगा दैट वुड बी बायोचार. लिक्विड जो बनेगा दैट वुड बी बायो ऑइल. एंड जो गैस बनेगा दैट वुड बी सिनगैस. क्लैरिटी है एवरीवन? ओके, बायोचार इज स्टेबल कार्बन रिच फॉर्म ऑफ चारकोल दैट इज अप्लाइड टू द सॉइल. एवरीवन, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आर यू ऑल विथ मी? हैव यू गॉट 100% क्लैरिटी? दृष्टि, ओके, चलो. अभी ये भी बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है क्योंकि हमने अलग अलग शेड्यूल्स जो है, राइट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अलग अलग जो शेड्यूल्स है, शेड्यूल्स ये हमने ऑलरेडी प्रीवियस क्वेश्चंस में डिस्कस किए हुए हैं. और आपको ये एक्सपेक्टेड है कि आपको ये शेड्यूल्स के बारे में अच्छे से नॉलेज होना चाहिए. एटलीस्ट अच्छे से नॉलेज मतलब एक बेसिक नॉलेज तो होना चाहिए कौन सा शेड्यूल किस चीज की बात करता है. राइट, सो इफ अ पर्टिकुलर प्लांट इज प्लेस्ड इन शेड्यूल 6 of the Wildlife Protection Act, what is its implication? It is implication license is required. Clear hai nahi? Right? So dekho, ye aa gaya aapka. There are 6 schedules, right? The specific endemic plants in schedule 6 are prohibited from cultivating and planting. The Hunting and Enforcement Authorities has the power to compound offenses under this schedule. राइट, तो देखो अभी शेड्यूल 1 अगर आपने नहीं पढ़ा है तो अभी आप पढ़ सकते हो. व्हाट इज शेड्यूल 1? तो शेड्यूल 1 क्या बोलता है? एंडेंजर्ड स्पीशीज को कवर करता है. राइट, एंडेंजर्ड स्पीशीज. राइट, हाईएस्ट पेनल्टी इसको होगा. राइट, दे आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम हंटिंग थ्रू आउट इंडिया एक्सेप्ट अंडर द थ्रेट टू ह्यूमन लाइफ. हमने देखा था ना कि अगर थ्रेट हो गया ह्यूमन लाइफ को एब्सोल्यूट प्रोटेक्शन इज अकॉर्डेड. राइट, ट्रेड इज देयर, टाइगर, ब्लैक बक, ये सब चीजें आ जाएंगी. राइट, तो सलमान खान जो है जिसने ब्लैक बक को मारा है उसको सबसे ज्यादा कठोर सजा क्यों मिलने वाली है? बिकॉज शेड्यूल 1, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट शेड्यूल 1. क्लियर है नहीं? तो आपको ये क्वेश्चन आएगा शेड्यूल 1 में कौन से एनिमल्स हैं एंडेंजर्ड में, तो ये लिस्ट थोड़ा आपको पता होना चाहिए. हॉर्नबिल हो सकता है, क्लाउडेड लेपर्ड हो सकता है, इंडियन गजेल, कॉमन डॉल्फिन, चीता, राइट, हिमालयन ब्राउन बियर, राइट, ब्लू व्हेल. शेड्यूल 2, High protection, trade is prohibited, right? Again, the same thing. They cannot be
हंटेड एक्सेप्ट अंडर द थ्रेट टू द ह्यूमन लाइफ. इसमें क्या लिखा है देखो, राइट. तो हमारे बंगाल हनुमान लंगूर, लार्ज इंडियन सिवेट, इंडियन फॉक्स, राइट, फ्लाइंग स्क्विरल, कश्मीर फॉक्स, ये सब नाम एक बार देख लो सारे, कंफर्टेबल हो जाओ नाम से. ओके, शेड्यूल थ्री एंड शेड्यूल फोर विच आर नॉट एंडेंजर्ड. शेड्यूल थ्री एंड शेड्यूल फोर क्या है? विच आर नॉट एंडेंजर्ड, राइट. दिस इंक्लूड्स प्रोटेक्टेड स्पीशीज बट द पेनल्टी फॉर वायलेशन इज लेस कंपेयर टू द फर्स्ट टू शेड्यूल्स. हाइना, हिमालयन रैट, पॉर्क्यूपाइन, फ्लाइंग फॉक्स, मलबार ट्री टोड, ये सब चीजें हैं. एंड देन यू हैव गॉट शेड्यूल फाइव. दिस शेड्यूल कंटेन्स एनिमल्स दैट कैन बी हंटेड. शेड्यूल फाइव मतलब क्या है? विच कैन बी हंटेड. विच कैन बी हंटेड? माइस, रैट, कॉमन क्रो, फ्रूट बैट्स. क्लियर है? नहीं, इनको आप हंट कर सकते हो. एंड देन शेड्यूल सिक्स, द लिस्ट कंटेन्स प्लांट्स दैट आर फॉरबिडन फ्रॉम कल्टिवेशन. पिचर प्लांट, राइट, ब्लू वांडा, रेड वांडा, कुछ समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? क्लियर है? कौन सा भी नॉर्मल एनवायरनमेंट का बुक पढ़ोगे उसमें होगा ही ये सब चीजें, राइट. तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, राइट. देखो, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, टाइगर रिजर्व, कंजर्वेशन रिजर्व आर प्रोटेक्टेड यूजिंग दिस एक्ट. तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट से ये सबको स्टेटस मिलता है. क्लियर है? नहीं, अगर मेरे आप लेक्चर्स देखोगे एनवायरनमेंट में तो आपको ये सब चीजें मिलेंगी. मैंने सारे चीजें कवर की है, टाइगर रिजर्व कहाँ कहाँ पे है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कहाँ कहाँ पे है, नेशनल पार्क कहाँ कहाँ पे है, बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ कहाँ पे है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑल दिस थिंग्स, राइट. सो यू कैन सी दिस. इट्स प्रोविजन पेव्ड द वे फॉर द फॉर्मुलेशन ऑफ सेंट्रल जू अथॉरिटी. द एक्ट क्रिएटेड सिक्स शेड्यूल. ये जो स्लाइड है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर से क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है, याद रखना. द एक्ट क्रिएटेड सिक्स शेड्यूल्स दैट गेव वेरिंग डिग्रीज ऑफ प्रोटेक्शन टू द क्लासेस ऑफ फ्लोरा एंड फौना. द नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड एज अ स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन अंडर द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट. तो देखो, इससे क्या क्या बना है. पहले हमने देखा सेंट्रल जू अथॉरिटी, एक चीज, राइट. दूसरा चीज क्या है, ये तो हमने ऑलरेडी देखा, ये सब चीजें बन गई, राइट. तीसरी चीज क्या है, द नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड एज अ स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन अंडर द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट. दिस एक्ट ऑल्सो प्रोवाइडेड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, NTCA, राइट. इट गिव स्टैट्यूटरी अथॉरिटी टू प्रोजेक्ट टाइगर. सारे ये जो एक्ट्स है, फर्स्ट टाइम कब बने इंडिया में? 1972. क्योंकि देखो, आपको समझना है, चीजें थोड़ी समझो, राइट. पे अटेंशन हियर. 1750s से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ. टिल ऑलमोस्ट 1950 वी वेर ओनली फोकसिंग अपॉन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. 1950 तक हमारा पूरा फोकस था वॉर के ऊपर. आफ्टर 1950 द कंसेप्ट स्टार्टेड टू, वी स्टार्टेड रियलाइजिंग दैट वी आर, यू कैन से, कंप्लीटली डिग्रेडिंग, डिस्ट्रॉइंग द एनवायरमेंट. तब ह्यूमन को चालू हो गया. देन लॉट ऑफ, यू कैन से, एनवायरमेंट मूवमेंट स्टार्टेड. स्मॉल इज ब्यूटिफुल कंसेप्ट, राइट, या फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट का आगे आगे स्लोली स्लोली कंसेप्ट, ये सब 1970s से चालू हो चुका है. और हमारे भी एक्ट्स अगर आप देखोगे तो 1970s से ही स्टार्ट हुए हैं सारे. इंदिरा गांधी यू हैव टू एसोसिएट देम विथ, राइट. कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस फॉर वाइल्ड लाइफ एक्ट कौन सा है? दोस्त, आर्टिकल 48A, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डायरेक्ट्स द स्टेट टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द एनवायरमेंट एंड सेफगार्ड वाइल्ड लाइफ. तो DPSP है क्या? रिलेटेड टू एनवायरमेंट एंड सेफगार्डिंग ऑफ द वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट. यस सर, DPSP भी है. और हमको क्या पता होना चाहिए? आर्टिकल 51A imposes fundamental duties on the people of India. One of them is to protect and improve the natural environment. Clarity है? Everyone? What is are the advantages of zero tillage? Tillage मतलब क्या है? कि भैया आपको plowing नहीं करना है. Tillage मतलब क्या है? No penetration into the soil. No penetration into the soil. तो इसका फायदा क्या होगा? थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ. ऑनलाइन स्टूडेंट्स, राइट, क्षितिजा, आनंद, दृष्टि, साइली, आशीष, प्लीज राइट, या रचना, क्या होगा इसका फायदा? सोइंग ऑफ वीट इज पॉसिबल विदाउट बर्निंग ऑफ द रेसिड्यू ऑफ द प्रीवियस क्रॉप. पॉसिबल है क्या? जीरो टिलेज मतलब आपने प्लाविंग नहीं किया. डायरेक्टली आप क्या करो? सो करो. और आपको आगे का जो स्टबल वबल बच गया ना ऊपर, राइट, नीचे का, तो उसको भी आपको करने की जरूरत नहीं है. विदाउट द नीड ऑफ नर्सरी ऑफ राइस सैपलिंग डायरेक्ट प्लांटिंग ऑफ पैडी सीड्स इन द वेट सॉइल इज पॉसिबल.
कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन इन द सॉइल इज पॉसिबल. बताओ व्हाट इज द आंसर. आंसर हैज टू बी ऑल. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा. देखो जीरो टिल फार्मिंग इज अ वे ऑफ ग्रोइंग वीट और एनी क्रॉप विदाउट टिलेज और डिस्टर्बिंग द सॉइल इन द हार्वेस्टेड फील्ड्स, राइट. हैप्पी सीडर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त, टेक्नोलॉजी इज वन ऑफ द यूनिक टेक्निक्स विच इज यूज्ड फॉर सोइंग सीड विदाउट बर्निंग ऑफ द क्रॉप्स. इसको तो हमको प्रमोट करना है ना, हैप्पी सीडर को. आर यू अंडरस्टैंडिंग. तो क्रॉप्स स्टेबल वैसे के वैसे रहेगा और स्टिल यू कैन ग्रो. क्लियर है नहीं, राइट. एंड इससे कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन भी हो जाएगा. क्यों कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन हो जाएगा दोस्त? क्योंकि आपने स्टबल को बर्न नहीं किया. बर्न करने से वो कार्बन ऊपर चला गया, और जब आपने बर्न नहीं किया तो धरती में रह गया कार्बन. कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन का मतलब क्या है? कार्बन को आपने पकड़ के रखा हुआ है, एयर में नहीं छोड़ा है. दैट इज नथिंग बट कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, राइट. डायरेक्ट सीडेड राइस जीरो टिलेज, ये मेथड भी याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है. ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है. हैप्पी सीडर, राइट. एक हो गया हैप्पी सीडर टेक्नोलॉजी. दूसरा टेक्नोलॉजी कौन सा है? जीरो टिलेज, DSR, राइट. सो क्या है? डायरेक्ट सीडेड राइस इज एन अल्टरनेटिव क्रॉप एस्टेब्लिशमेंट मेथड ऑफ राइस. यस सर. तो राइस में हमने देखा ना कल, मीथेन प्रोडक्शन सबसे ज्यादा है. क्यों? क्योंकि आप क्या कर रहे हो राइस को? क्या कर रहे हो आप? हाँ, फ्लडिंग पूरा, राइट. इसके लिए राइस में बहुत ज्यादा मीथेन प्रोडक्शन होगा. तो इससे अच्छा ये मेथड यूज करो, DSR, डायरेक्ट सीडेड राइस. पहले डायरेक्ट सीडेड राइस मतलब क्या? अगेन ऑलवेज व्हाट इज माय मेथड, गोइंग टू द नीम. डायरेक्ट क्यों बोला है इसको? क्योंकि पैडी कैसे उगते हैं हम? पहले उसको छोटे छोटे उगाते हैं पूरे पॉन्ड में, उसको ट्रांसप्लांट करते हैं दूसरों में. तो डाइस ये सब करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट सीड लगाओ राइस. क्लियर है नहीं? डायरेक्टली गोन विदाउट नर्सरी कैन बी डन इन जीरो टिलेज. Adopting no tillage before the cultivation has been widely recommended as a means of enhancing carbon sequestration. If the crops are not burned and the land is prepared through mechanical agitation, carbon sequestration remains possible. Okay? ऐसा ये चीज है. चलो आगे. According to India's National Policy on Biofuels, दोस्त 2018 का बायोफ्यूल का पॉलिसी हम सबने पढ़ना चाहिए, राइट. नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स 2018. मैं आपको एक डायग्राम दिखा दूंगा, राइट. ये डायग्राम भी अगर आपने पढ़ लिया, ये फिगर ये वाला देखो, ये गवर्नमेंट का खुद का रिलीज है, ये पढ़ लेना है हमको बस, राइट. सेलियंट फीचर्स ऑफ बायोफ्यूल्स पॉलिसी, राइट. ये मिल जाएगा कहीं पे भी आपको, गूगल पे. तो ये पढ़ना है आपको, और आपको ये भी पता है, राइट. व्हाट इज द टारगेट नाउ बायोफ्यूल्स? E20, E10. हाँ, ई क्या है? 20. कब तक है E20? 2025. और E10 हो चुका है क्या? कब तक था E10? कब तक था? हाँ, कब तक था? 22. यस और राइट. ब्रिलियंट. चलो आगे. नाउ लेट अस, यू कैन से, solve this answer. According to the national biofuel, which of the following can be used as raw materials for production of biofuel? अभी देखो, raw materials use करना है, clear है नहीं, right? अब मुझे बताओ कि basically आप groundnut seeds use करोगे क्या? क्यों use नहीं करोगे आप? What is the logic? पहले ही oil seeds India में कम है, import कर रहे हो आप, आपको oil seeds का production बढ़ाना है, और ये oil seeds use करके आप biofuel use करोगे? समझ में आ रहा है नहीं यार? Are you understanding this? तो भैया इसको तो eliminate कर सकते हो या नहीं? Right? तो तीन नंबर को eliminate करो. क्या आंसर आएगा? 1, 2. फिर भी आप हम देख सकते हैं. डैमेज ठीक है ना सर? Right? ये तो ठीक है, कसा हुआ तो है ही. Right? फिर कहां पे आ गए सर आप? ये देखो हॉर्स ग्राम. अगेन पल्सेस हमारे यहाँ पे कम है इंडिया में. प्रोटीन का मेन सोर्स इंडिया में पल्सेस है, क्योंकि वी आर ऑल वेजिटेरियन, मोस्ट ऑफ अस एटलीस्ट, इफ नॉट ऑल, राइट. रॉटन पोटेटोस को तो लेना ही पड़ेगा दोस्त, ये होना ही चाहिए. शुगर बीट, ठीक है, सोच सकते.
Clear? By elimination, even if you have not read it. But now you can say the next question might not give the chance for the so easy elimination. So it is very important that you go through the 2018 National Biofuel Policy. ये आपका आज का असाइनमेंट होगा. क्लैरिटी? ओके, चलो आगे बढ़ेंगे. देखो, डैमेज सेल्यूलोसिक मटेरियल सच एज बैग एज वुड, राइट, वेस्ट, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री रेसिड्यूज, एनी अदर रिन्यूएबल रिसोर्सेज. Right, falling raw materials can be potentially used. Molasses, sugarcane juice, biomass. Okay, देखो non-edible दिख रहा है यहाँ पे क्या है? Used cooking oil (UCO), animal tallow, acid oil, algal feedstock for advanced biofuel. Right, biomass. Right, then industrial waste is there. सॉलिड वेस्ट है. ओके, चलो आगे जाएंगे. लेट अस गो अहेड. ब्यूटिफुल क्वेश्चन. विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब्स द टर्म सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन? क्या है दोस्त? सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन, व्हाट इज इट? सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन, राइट? लॉन्ग टर्म डैमेज डन बाय अ टन ऑफ CO2 एमिशंस इन अ गिवन ईयर. रिक्वायरमेंट ऑफ फॉसिल फ्यूल्स फॉर अ कंट्री टू प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विस टू इट्स सिटीजन्स. एफर्ट्स पुट बाय द क्लाइमेट रेफ्यूजी टू अडॉप्ट टू लिव इन अ न्यू प्लेस. कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एन इंडिविजुअल. क्या होगा आंसर? मोस्ट करेक्ट क्या लग रहा है? आंसर हैज टू बी मोर करेक्ट. लॉन्ग टर्म डैमेज डन बाय वन टन ऑफ CO2 एमिशंस इन अ गिवन ईयर. क्लियर है नहीं? राइट, सो दैट इज सोशल कॉस्ट. व्हाई सोशल कॉस्ट को हमने पकड़ा है? क्योंकि बेसिकली हम जब GDP सब कैलकुलेट करते हैं तो ये कॉस्ट नहीं पकड़ते ना हम लोग. आर यू अंडरस्टैंडिंग? वी ओनली सी द मॉनिटरी कॉस्ट. क्लियर? ओके, वेरी इजी. Right, social cost of carbon is estimated in monetary value. It is the economic damages that would result from emitting one additional ton of the greenhouse gas into the atmosphere. Hence, the correct answer is long-term damage done by one ton of CO2 emissions in a given year. Clear? Right. Social cost of carbon. इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट, एग्रीकल्चर पे हमेशा क्वेश्चन आते ना. ओके, इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट, अभी दिस कैन बी अ लिटिल बिट ऑफ कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन, बट स्टिल, इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंसिडर्ड टू बी अ प्रैक्टिसेस ऑफ इको फ्रेंडली एग्रीकल्चर? कैसा है? इको फ्रेंडली एग्रीकल्चर. क्रॉप डाइवर्सिफाई करना चाहिए ना, इको फ्रेंडली है. क्योंकि क्या होगा, जितना मोनोकल्चर होगा, राइट, मोनोकल्चर उतना बुरी चीज है ना. क्लियर है नहीं है? सो वी शुड डाइवर्सिफाई द क्रॉप्स. क्लियर? लेग्यूम इंटेंसिफिकेशन, जितने लेग्यूम्स करोगे नाइट्रोजन फिक्सेशन होगा, दो तो होना ही चाहिए. ये क्या होता है? टेंसियोमीटर यूज. पढ़ा है किसी ने? टेंसियोमीटर यूज, बट दैट इज नॉट गोइंग टू मेक अ डिफरेंस बिकॉज 1, 2, 3 तो दोनों में. UPSC देखो कैसे गेम कर रहा है आपके साथ. उससे वो सिर्फ डराने के लिए रखा है. समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है. दैट इज इट गोइंग टू डिसाइड द गेम? नो. व्हाट इज गोइंग टू डिसाइड इज वर्टिकल फॉर्म. व्हाट इज गोइंग टू डिसाइड इज वर्टिकल फॉर्म. एंड व्हेन यू सी वर्टिकल फार्मिंग, व्हेन यू अंडरस्टैंड वर्टिकल फार्मिंग, क्या होता है वर्टिकल फार्मिंग? क्या बोला है? इको फ्रेंडली एग्रीकल्चर. विल वर्टिकल फार्मिंग सपोर्ट इको फ्रेंडली एग्रीकल्चर? यस और नो? व्हाई? In the context of India, which of following are considered to be the practices? Right? क्या बोला गया है कि भैया ऐसा चीजें बताओ, right? Of eco-friendly agriculture.
Online students, what do you think? Yes, Drishti, Rachna, Shitija, क्या लग रहा है? जरा आंसर बता जाओ. ऑनलाइन स्टूडेंट्स, हर एक क्वेश्चन आने से क्वेश्चन नंबर और आगे आंसर देना है. आंसर यूपीएससी ने 1, 2, 3 दिया है. समझ आ रहा नहीं यार? राइट, जैसे कि हम बोल रहे हैं ना, प्रमोट करो वर्टिकल फार्मिंग. राइट, बट स्टिल इट इज गिवन 1, 2, 3. ये तो हमको समझ में आ गया ना, मल्टी क्रॉपिंग. मेज भी उगाया, पल्सेस भी उगाया, मेरी गोल्ड ग्रीन्स, मल्टी क्रॉपिंग, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन. राइट, ये दिख रहा है. लेग्यूम इंटेंसिफिकेशन, लेग्यूम्स फिक्स दिस. राइट, फैसिलिटेट न्यूट्रिएंट सर्कुलेशन बेस्ड ऑन द मल्टीपल फंक्शंस. लेग्यूम क्रॉप्स हैव हाई पोटेंशियल फॉर. ओके, आगे देखो. लेग्यूम इंटेंसिफिकेशन. टेंसियोमीटर, टेंसियोमीटर इज सॉइल साइंस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट. डिटरमाइन द वॉटर पोटेंशियल ऑफ द सॉइल. क्या करता है टेंसियोमीटर, लिख लो. यूपीएससी ने पूछा है क्या करता है टेंसियोमीटर. Determine the water potential. When the water pressure in the tensiometer is determined to be in equilibrium with water pressure in the soil, the tensiometer gauge reading represents the metric potential of soil. So tensiometers are used in irrigation scheduling to help farmers and other agriculture managers to determine when to water. मतलब tensiometer क्या करेगा, आपको डिसाइड करने मदद करेगा फार्मर को कि अब भी पानी की जरूरत है क्या. क्या सिर्फ आपने रैंडमली कितना भी पानी दे दिया तो मजा नहीं आएगा. इसके लिए क्या यूज करो आप, यू कैन से टेंशियोमीटर, बिकॉज वाटर प्रेशर ये देखने वाला है. क्या देखने वाला है? वाटर प्रेशर. राइट, इन द टेंशियोमीटर एंड वाटर प्रेशर इन द सॉइल. ओके, ये देखो ऐसा होता है टेंशियोमीटर. वर्टिकल फार्मिंग. राइट, समटाइम्स इट माइट lead to environmental damage, so not always eco-friendly. Right, vertical farming में आपने बहुत सारे chemical fertilizer डाल दिए तो क्या करोगे, pesticide डाल दिए तो क्या करोगे. समझ में आ रहा है नहीं यार? Right, so not always eco-friendly. Right, it is just the method, how you use it. Organically कर ले तो ठीक बात. Right, vertical farming aims to optimize the plant growth and soil-less farming techniques such as hydroponics, aquaponics. Right, एंड एरोपोनिक्स. तीनों में डिफरेंस पता है आपको? वॉट इज हाइड्रोपोनिक्स, वॉट इज एक्वापोनिक्स एंड वॉट इज एरोपोनिक्स, पता है नहीं पता है? राइट, आई फाइंड आउट करो. आई डिस्कस टुमारो वॉट इज हाइड्रो, एक्वा एंड एरोपोनिक्स. राइट, मेजरली बच्चों को इसमें कंफ्यूज होता है. सिंपल है बट. ओके, क्या होता है दोस्त फर्क? फिश एंड प्लांट. यहां पे सिर्फ पानी और वहां पे एयर में. राइट, इन वर्टिकल फार्मिंग क्रॉप्स आर ग्रोन इंडोर्स अंडर आर्टिफिशियल कंडीशन. जापान हैज बिकम द अर्ली पायनियर्स ऑफ वर्टिकल फार्मिंग. इट होल्ड्स लार्जेस्ट शेयर ऑफ द ग्लोबल वर्टिकल फार्मिंग मार्केट. ये देखो वर्टिकल फार्मिंग. क्लियर? चलो आगे. ये तो हमने किया हुआ है, खतरनाक वाला है ये. राइट, विच ऑफ आर मेजर माइनर मिनरल्स. याद है आपको किया था ना इकोनॉमिक्स में? So this is not na, one हमने eliminate किया था और ये answer निकला था तभी. Mean ocean temperature पढ़ा है कभी? Concept. Right, तो concept पढ़ लो पहले. Right, mean ocean temperature, the depth for 26 degree isotherm. Isotherm मतलब क्या? हाँ, same temperature. राइट, सो 26 डिग्री का आइसोथर्म ऐसा आ जाएगा. समझो इधर भी 26 डिग्री, इधर 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 26 डिग्री. क्लियर है नहीं? राइट, इस कितना मीटर पे होगा वो दोस्त? 50 to 100 मीटर एंड नॉट 129 मीटर. मतलब आपको इसमें देखो बेसिक चीज क्या समझना है. अगर ये स्टेटमेंट देखोगे, क्या बोला है इसने, ओशन मीन टेम्परेचर निकाला है. मतलब क्या है, ओशन का टेम्परेचर होगा. हम क्या सोच रहे, ग्लोबल वार्मिंग. ग्लोबल वार्मिंग अभी तक हम सिर्फ क्या कैलकुलेट कर रहे हैं कि एटमॉस्फेयर में कितना टेम्परेचर बढ़ रहा है. बट भैया अगर ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, अगर कार्बन का ये सब का चीजों का मात्रा बढ़ रहा है, तो ओशन इज ऑल्सो वार्मिंग. इफ द ग्लोब इज वार्मिंग, ओशन इज ऑल्सो गोइंग टू वार्म. ओशन वार्मिंग कैसे सिद्ध करोगे? तो ये सिद्ध करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ओशन मीन टेम्परेचर. क्या करना पड़ेगा आपको? ओशन मीन टेम्परेचर. अभी
बेसिक ज्योग्राफीज में यूज करना है आप। ये क्या बोल रहा है कि सर 26 डिग्रीज क्या बोल रहा है ये 26 डिग्रीज, ये मीन ओशन टेम्परेचर है राइट। क्या बोल रहा है, ओशन मीन टेम्परेचर इज मेजर्ड अप टू अ डेप्थ ऑफ 26 डिग्री आइसोथर्म। मतलब कहां तक वो मेजर किया जा रहा है, 26 डिग्री आइसोथर्म। मतलब अगर 26 डिग्री के लाइन तक ये मेजर किया जा रहा है राइट, विच इज 129 मीटर्स इन द साउथ वेस्टर्न इंडियन ओशन ड्यूरिंग जनवरी एंड मार्च। क्या बोला जा रहा है दोस्त, 129 मीटर्स। इतना कॉमन सेंस होना चाहिए कि भाई 26 डिग्री जिससे नीचे जाओगे तो एकदम पानी तो कम हो जाएगा ना टेम्परेचर। आप 125 मीटर से भी नीचे जा रहे हो तो 26 डिग्री मिलने वाला है क्या आपको? ये क्या है, इतना भी समझ में आ गया ज्योग्राफी, सिंपल ओशनोग्राफी है ज्योग्राफी का पार्ट, ये इतना समझ में आ गया तो आप इसको क्या कर दोगे राइट। दिस इज गॉन। ओएमटी कलेक्टेड ड्यूरिंग जनवरी मार्च कैन बी यूज्ड असेसिंग वेदर द अमाउंट ऑफ रेनफॉल इन मॉनसून विल बी लेस और मोर इन लॉन्ग टर्म। हर टाइम आप कैलकुलेट कर लो तो उसको आपके समझ में आ जाएगा। क्योंकि देखो ओशन का टेम्परेचर जो है, ओशन का टेम्परेचर दैट इज गोइंग टू 100% अफेक्ट द मॉनसून। हाउ इट इज गोइंग टू अफेक्ट द मॉनसून, ओशन का टेम्परेचर ज्यादा होगा तो ज्यादा वाटर वेपर जाएंगे, क्लियर है नहीं? ज्यादा वाटर वेपर जाएंगे, ज्यादा क्लाउड फॉर्मेशन होगा, तो अगर जो साउथ वेस्ट जब मॉनसून विंड आएंगे तो ज्यादा पानी लेके आएंगे, कुछ ना कुछ तो इम्पैक्ट होगा ना, यस और नो? तो सेकेंड इज अ वेरी जेनरिक स्टेटमेंट, यस सर। देखो एक्सक्यूज मी, सेकेंड स्टेटमेंट को आप निगेट कर सकते हो क्या? नो, इट कैन नॉट बी यूज्ड। ऐसे कर सकते हो क्या? कभी भी ऐसा स्टेटमेंट जब आता है ट्राई टू निगेट इट, इट कैन नॉट बी यूज्ड, तो एकदम एब्सोल्यूट बन जाएगा ना। हाउ कैन यूपीएससी श्योर शॉट से इसको यूज ही नहीं कर सकते आप प्रिडिक्ट करने में? समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा? मेरा स्वभाव क्या है, दैट इज ऑल्सो गोइंग टू प्रिडिक्ट द मॉनसून। आप एब्सोल्युटली बोल नहीं सकते कि बाबा दिस कैन नॉट बी यूज्ड, क्लियर है नहीं? एंड दिस इज लाइक मीन टेम्परेचर, सो आंसर हैज टू बी टू, क्लियर? देखो कितना डेप्थ पे है, 60 मीटर्स के आसपास डेप्थ पे है राइट। ओशन मीन टेम्परेचर इज बेटर इंडिकेटर फॉर मॉनसून रेनफॉल देन सी सरफेस टेम्परेचर बिकॉज इट मेजर्स ओशन थर्मल एनर्जी राइट। ओशन हीट कंटेंट एंड ओशन मीन टेम्परेचर आर इंपॉर्टेंट क्लाइमेटिक पैरामीटर्स रिक्वायर्ड फॉर एटमोस्फेरिक एंड ओशनिक साइक्लोन वाइक्लोन, सब स्टडी कर सकते हो ना आप राइट। नाउ साइंटिस्ट फ्रॉम पुणे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेटरोलॉजी फाइंड दैट ओशन मीन टेम्परेचर दैट हैज अ बेटर अबिलिटी टू प्रिडिक्ट द सी सरफेस दैन सी सरफेस, क्लियर है? ओके डन, ईजी। चलो ये वाला सॉल्व करो, अभी बताओ आंसर क्या हो। ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज टेल मी व्हाट इज द आंसर फॉर 61st, प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स। इज माई वॉइस क्रिस्टल क्लियर और इज देर एनी चेंज इन द क्वालिटी ऑफ द वॉइस? आई एम आस्किंग दिस बिकॉज वी आर यूजिंग अ डिफरेंट माइक। यश अविनाश ब्रिलियंट, हर्षा ब्रिलियंट राइट। देखो डेजर्ट नेशनल पार्क, अभी भैया डेजर्ट बोला राइट, तो दो प्रकार के डेजर्ट हो सकते हैं, पहले ये याद रखना है, हॉट डेजर्ट एंड कोल्ड डेजर्ट राइट। एकदम बह नहीं जाना है, डेजर्ट बोला कि भैया राजस्थान के वो जो बरचांस है, राजस्थान के जो ये सब चीज़ें हैं उसमें मैं मजे ले रहा हूँ राइट। इट इज स्प्रेड ओवर टू डिस्ट्रिक्ट्स, ओके ठीक है भैया। नो ह्यूमन हैबिटेशन इनसाइड, मैंने आपको बोला है ऐसा जिंदगी में होगा क्या, नो ह्यूमन हैबिटेशन, हर जगह पे कोई ना कोई तो ह्यूमन मिलेगा, ह्यूमन छोड़ो इंडियन, मैं यहाँ तक बोल दिया था आप, नो ह्यूमन हैबिटेशन कैसे होगा? आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस राइट? वेरी वेरी डिफिकल्ट ना, सो पहले से एलिमिनेट करो, आंसर ही आ गया, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं थी। और आपको पता है ये मिस्टर बस्टर्ड मिलते हैं वहाँ पे राइट, फ्रॉम राजस्थान गुजरात महाराष्ट्र कर्नाटका तक जाएगा थोड़ा, इनके लिए तो हम ये चेंज कर रहे हैं ना हमारे पावर केबल्स राइट। दिस वुड हैव बिकम द इंडियन नेशनल बर्ड बट इसके नाम में गड़बड़ था, समझ में आ रहा नहीं आ रहा? इसके लिए नाम में क्या लिखा है इसने मत मान, अगर तुम्हारा नाम तुमको अच्छा लगता है चेंज करो, नाम से भी चेंज हो जाएगा तो राइट।
काय घेणार, आवडतं उत्तर तुझं नाव, आता चेंज करून घे बघ, यूपीएससी फर्स्ट येशील. क्लिअर? बिचारा क्रिटिकली इंडेंजर. क्या है दोस्ती? क्रिटिकली इंडेंजर. कल तुमको एंडेंजर्ड का लिस्ट पढ़ा है ना, राइट? उसको मैप करते जाओ, कौन से पार्क में, नेशनल पार्क में किधर क्या मिलेगा, राइट? चलो अभी क्या है, 36% ऑफ द डिस्ट्रिक्ट्स आर क्लासिफाइड एज ओवर एक्सप्लॉइटेड और क्रिटिकल, क्योंकि ये इकोनॉमिक सर्वे में आया था उस टाइम के. देखो ये स्टेटमेंट तो यूपीएससी ने रिपीट किया क्या, नहीं बताओ? सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी रिपीट किया ना यूपीएससी ने, पिछले साल ही रिपीट किया, राइट? इज फॉर्म्ड अंडर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट. बोलो हाँ या ना, मतलब सर ये गया क्या, करेक्ट पूछा है ना? वन करने की कोई जरूरत है, राइट? आगे देखो, इंडिया हैज द लार्जेस्ट एरिया अंडर ग्राउंड वाटर इरिगेशन इन द वर्ल्ड. लार्जेस्ट एरिया ग्राउंड वाटर इरिगेशन इन द वर्ल्ड होगा क्या इंडिया में? सो व्हाट विल यू से, क्या आंसर? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, बी या सी? सी. ये देखो सर, इंडिया इरिगेशन मोस्टली ग्राउंड वाटर, 39 मिलियन हेक्टर्स. इंडिया हैज द वर्ल्ड लार्जेस्ट ग्राउंड वाटर इरिगेशन सिस्टम. चाइना ओनली 19 MHA इज सेकेंड, यूएसए इज थर्ड. सो इंडिया हैज द हाइएस्ट ग्राउंड वाटर इरिगेशन. ये उस टाइम के इकोनॉमिक सर्वे में डायरेक्टली मैप ही दिखाया था कि सबसे ज्यादा एक्सप्लॉइटेड इंडिया है, इसके लिए डायरेक्टली क्वेश्चन आया था. दैट इज वाई द आंसर इज 2 and 3. क्लैरिटी एवरी वन? यस. देखो 2017 एवरेज स्टेज ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ कंट्री होल वर्क्स आउट टू बी 63. द एक्सट्रैक्शन ऑफ द ग्राउंड वाटर फॉर वेरियस यूजेस, राइट? 17% आर कैटेगराइज्ड एज ओवर एक्सप्लॉइटेड, राइट? चलो आगे देखो, इन 2020 एनजीटी ऑर्डर द सेंटर टू पुट अ होल्ड न्यू नॉर्म्स ऑफ ग्राउंड वाटर यूज, राइट? Among the following tiger reserve, which one has the largest area under critical tiger habitat? हाँ क्या होगा? रणथंभौर. क्यों, इधर टाइगर नहीं है क्या कॉर्बेट में? इधर भी है, रणथंभौर में तो है टाइगर. नागार्जुन, श्रीशैलम, सुंदरबन, किसने बताया आंसर इसका? व्हाट इज आंसर? लार्जेस्ट एरिया अंडर क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट, बी सुंदरबंस, राइट? इसका आंसर कहां आ गया? करो इसका आंसर फाइंड. क्या इसका आंसर? बहुत ही सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन. ऑनलाइन स्टूडेंट्स, सिक्सटी थ्री का क्या है? व्हाट इज आंसर? नागार्जुन, श्रीशैलम. तो क्यों बोल रहे थे रणथंभौर आप? सबसे ज्यादा नंबर ऑफ टाइगर्स, बट भाई यहां पे एरिया लिखा है ना, और रणथंभौर में सबसे ज्यादा है. किसने बोला? कहां पे रणथंभौर और एरिया वाइज? फिर क्लियर? ओके, मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइगर्स इन विच स्टेट? कौन से स्टेट में हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइगर्स? ये सब चीजें यार भैया, टाइगर प्रोजेक्ट टाइगर, इतना सिंपल है. मध्य प्रदेश में है क्या? क्या महाराष्ट्र? ये तो बहुत सिंपल है दोस्त. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ प्लांट्स वेर डोमेस्टिकेटेड इन द न्यू वर्ल्ड? न्यू वर्ल्ड मतलब क्या है, हमने क्या बाद में ढूंढा है? एंड इंट्रोड्यूस इन द ओल्ड वर्ल्ड. ओल्ड वर्ल्ड मतलब इंडिया. तो
हमको पता है ना टबैको, अभी कॉटन इंडियन है ना भाई, सिंधौन इसको डिलीट कर दो, कॉटन डिलीट कर दो, अभी ये दोनों में से देखो आप, वीट वीट तो है ना, यस और नो, राइट? कॉफी रबर, कॉफी भी तो आपको पता है अरब में था ना, कहां पे इसको मिला था कॉफी, अरब लैंड्स, इसके लिए कॉफी का ना प्रकार भी होता है ना अरेबिका, राइट? सो आंसर शुड बी दिस, टबैको रबर कोकोआ। आ गया आंसर, क्लियर? कोलंबियन, शुगर केन, चलो ये बताओ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क लाइज कंप्लीटली इन द टेम्परेट अल्पाइन जोन, टेम्परेट अल्पाइन जोन, मानस है क्या, मानस है क्या, ग्रासलैंड होंगी इसके लिए तो आपने वही मिलता है ना मानस में, क्या मिलता है अपना राइनो, कंप्लीटली तो होगा ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं, राइट? ये वैल्यू ऑफ फ्लावर्स है क्या, या नामडफा, नामडफा में क्या मिलता है, टाइगर मिलता है क्या, टाइगर रिजर्व, तो टाइगर होगा तो अल्पाइन होगा क्या, लॉजिक लगाओ, इसके लिए बोल रहा हूं, ऐसे लॉजिक लगाने पड़ेंगे, क्लियर है नहीं? अभी आप दो पे तो आ गए, दो पे तो आ गए आप, राइट? व्हाट शुड बी द आंसर नाउ, वैल्यू ऑफ फ्लावर्स, राइट? वैल्यू ऑफ फ्लावर्स, अल्पाइन फॉरेस्ट आर एल्टीट्यूड 2500 मीटर से ऊपर, राइट? टेम्परेट जोन, ओके, टेम्परेट जोन फॉरेस्ट ओक मेपल रोडोडेंड्रॉन्स एंड बिर्च, वो हिस्ट्री के इसमें पढ़ा था ना आपने पहले, बिर्च बाग पे लिखते थे, तो बिर्च ट्री कहाँ पे मिलता है, ये अल्पाइन कश्मीर में मिलेगा आपको बिर्च, क्लियर है नहीं, राइट? तो ऐसे एलिमिनेट करते करते चलना है आपको, मानस रिवर, मानस आसाम, आसाम तो नीचे आ गया ना, अरुणाचल से नीचे आओगे, भूटान से नीचे आओगे तो आपको आसाम मिलेगा, क्लियर है नहीं? आसाम प्लेन्स है, राइट? एल्टीट्यूड देखो उसका कितना है, 110 मीटर, वैली ऑफ फ्लावर्स देखो कितने एल्टीट्यूड पे, उत्तराखंड नेवरा वैली नेशनल पार्क वेस्ट बंगाल में है दोस्त, ये नेवरा वैली, राइट? मेरे एनवायरमेंट सेशन करो उसमें सब आपको पढ़ा दिया जाएगा, ये नेवरा वैली कहाँ है, क्या है, नामडफा, राइट? नामडफा भी है बट इट स्टार्ट फ्रॉम 200 मीटर, क्लियर है नहीं, नॉट कंप्लीटली, ओके? एशियाटिक लायन इज नेचुरली फाउंड इन इंडिया ओनली, बोलो ट्रू और फॉल्स, एशियाटिक लायन, डबल हम्प्ड कैमल इज नेचुरली फाउंड इन इंडिया ओनली, डबल हम्प्ड कैमल कहां मिलता है, नुब्रा वैली, दोस्त मेरा इंस्टाग्राम फॉलो करते जाओ, राइट? नुब्रा वैली, बट इट इज नॉट इन इंडिया, वो नुब्रा वैली कोई मैंने पूछा था कहां से आई है, तो बोले मंगोलिया से लाए, सो रॉन्ग एसिड, राइट? सो टू इज गॉन, ओके, वन तो करेक्ट ही हो गया फिर, नाउ थ्री देखो, वन हॉर्न राइनो इज नेचुरली फाउंड इन इंडिया ओनली, सिर्फ इंडिया मिलता है कि वन हॉर्न राइनो कि बाहर भी मिलता है, इंडोनेशिया ये सब जगह पे मिलता है क्या, वन हॉर्न रहता है क्या, राइट? सो व्हाट शुड बी द आंसर फॉर दिस, करेक्ट, द आंसर इज ओनली वन, क्लियर? अभी मैं वन ऑफ आर यू कैन से माई स्टूडेंट, मतलब अभी गुजरात में अगर हम देखेंगे, सो वन ऑफ माई स्टूडेंट इज द कलेक्टर करेंटली ऑफ अमरेली, वन इज पोस्टेड इन राजकोट, एंड वन ऑफ माई फ्रेंड इज अगेन कलेक्टर इन जूनागढ़, सारा जो सौराष्ट्र है वहाँ पे लोग, जूनागढ़ में ये गिर आता है, राइट? सो इज कॉलिंग मी टू वॉच दिस लायंस, मैंने देखा नहीं अभी तक, तो एक दो दिन में जाके आएंगे हम ये लायंस देखने के लिए। The present Asiatic lions are naturally found in India only in Gir National Park. The greater one horn rhino is not naturally only found. Nepal mein bhi hai to. Are you understanding this? Right? The double humped
नेटिव ऑफ, कहां से मैंने बोला था, उन्होंने बोला ना मुझे कहां से लाए थे ये लोग, क्लियर? ओके, डबल हम्प्ड कैमल, यू कैन गो इन, यू कैन से राइड देम इन नुब्रा वैली इंडिया, क्लियर? ओके, नुब्रा वैली इज इन लद्दाख, कोल्ड डेजर्ट. चलो आगे. इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द फॉलोइंग राइट, सम साइंटिस्ट सजेस्ट द यूज ऑफ सिर्रस क्लाउड थीनिंग टेक्निक एज इंजेक्शन ऑफ सल्फाइट एरोसोल इनटू स्ट्रेटोस्फीयर. क्या होगा इससे दोस्त? आर्टिफिशियल रेत, एरोसोल डाल दिया आपने, मतलब क्या हुआ? आर्टिफिशियल रेत, क्लियर? सिर्रस क्लाउड्स, सिर्रस क्लाउड्स ऑल्सो ट्रैप द हीट, थिनिंग देम कुड कूल डाउन द अर्थ सिस्टम. थिनिंग ऑफ सिर्रस क्लाउड्स कुड बी अचीव्ड बाय इंजेक्टिंग राइट. ये सब चीजें हैं. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इन अगस्त्यमाला बायोस्फीयर रिजर्व, पढ़ा होगा ना आपने बायोस्फीयर रिजर्व तो भैया. अगस्त्यमाला कहां पे है? हाँ, केरला में है पक्का, मुझे तमिलनाडु लग रहा है, बॉर्डर पे है. ओके, बताओ अभी क्या क्या आएगा इसमें अगस्त्यमाला में? ये आएगा क्या श्री वेंकटेश्वरा? हाँ, वेंकटेश्वरा मतलब तो इधर होगा आंध्र प्रदेश, इसको एलिमिनेट करो भैया पहले राइट. ऐसे एलिमिनेट करते जाना है. पापी कोंडा, वापिस ये पाप कर दिया इसने, आर यू अंडरस्टैंडिंग? ये पाप धोते धोते आपने को पास करके जाएगा दोस्त. अब देखो बचे दो ऐसे, नयार, पेपारा और मधुमलाई. साइलेंट वैली, साइलेंट वैली कहाँ है? ऊपर है ना, बॉर्डर पे है ना, आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? सो एलिमिनेट कर सकते हो आप भैया, मेरे एनवायरमेंट के एक बार सेशन देख लो, इतना स्ट्रांग हो जाएगा तुम्हारा राइट कि फिर सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी. आप आंसर इज वन, ये कुछ भी पढ़ा नहीं होगा तो भी आंसर आ गया आपका. अगस्त्यमलाई इज अ यूनिक जेनेटिक यू कैन से रिजर्वॉयर ऑफ कल्टिवेटेड प्लांट्स, वेस्टर्न घाट्स, थ्री वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, शेंडुर्नी, पेपारा, नेयार आर लोकेटेड इन द साइट राइट, एंड ऑल्सो टाइगर रिजर्व इज देयर. सम स्पीशीज ऑफ टर्टल्स आर हर्बीवोरस, हो सकते हैं भाई, मैं क्या करूँ? सम स्पीशीज ऑफ फिश आर हर्बीवोरस, हो सकते हैं, क्या करूँ? सम स्पीशीज ऑफ मरीन मैमल्स, मरीन मैमल्स आर हर्बीवोरस, हमको पता है ना, डुगोंग, वो क्या, सीकाओ, सीकाओ. सम स्पीशीज ऑफ स्नेक्स आर विवीपैरस, व्हाट इज विवीपैरस? नॉट लेइंग एग्स, नॉट लेइंग और लेइंग एग्स? नॉट लेइंग एग्स. अभी आंसर देखो दोस्त, कंप्यूटर स्क्रीन पे आपके रहा, वन टू थ्री है क्या? वन टू थ्री है क्या? ऐसा ऑप्शन है क्या? तो क्या करना पड़ेगा? ऑल इज द आंसर. बहुत इजी होते हैं दोस्त ऐसे, क्लियर है? यस और कभी टर्टल वर्टल देखा होगा तो घास फूस खाते हैं वो, तो कैबेज खिलाए, ये खिलाओ, वो खिलाओ राइट. टर्टल टॉर्टल में फर्क पता होना चाहिए, काय वाला कहते का फर्क, टर्टल टॉर्टाइज ये सब एक ही लग रहा है राइट. देखो, ग्रीन सी टर्टल्स आर सी ग्रास एंड अलगे, दो जुवेनाइल यू कैन सी स्नैक ऑन क्रैब्स, स्पॉन्जेस एंड जेलीफिश. इन द वाइल्ड दे कैन लिव अप टू 80 ईयर्स, वंस मेच्योर इट इज ओनली द सी टर्टल दैट इज स्ट्रिक्टली हर्बीवोरस, द जॉ स्ट्रक्चर्स ऑफ मेनी स्पीसीज इंडिकेट्स देयर डाइट्स. ओके, हर्बीवोर फिशेस, स्नेक्स आर रेप्टाइल्स, फ्यू एक्सेप्शनल स्पीशीज राइट. चलो आगे, बोआ आर एग्जाम्पल्स ऑफ विवीपैरस. माइक्रोबीड्स, क्या है दोस्ती माइक्रोबीड्स? प्लास्टिक है ना, दे आर कंसिडर्ड हार्मफुल टू मरीन इकोसिस्टम्स, दे आर कंसिडर्ड टू कॉज स्किन कैंसर, दे आर स्मॉल इनफ टू बी एब्जॉर्ब बाय क्रॉप प्लांट्स इन द इरीगेटेड फील्ड्स राइट, दे आर ऑफन फाउंड इन यूज फूड एडल्ट्रेशन. आंसर इज दिस, माइक्रोबीड्स, छोटे छोटे प्लास्टिक के कण.
right? Solid plastic particles less than 1 millimeter. Clear? Bolo hai na? For the measurement estimation of which of the following satellite images remote sensing is used? हमने use किया था क्या ये? पहले किया था क्या आपने? Chlorophyll content हाँ, greenhouse gases, okay, land surface temperatures or specific yes, all कर दो दोस्त. जय माता दी. No problem. आगे चलो. ये सब पढ़ना है. Which of the following statements are correct about the deposits of methane hydrate? Again, news में था काफी उस time पे. Methane hydrate. ऑनलाइन स्टूडेंट्स बताओ इसका आंसर क्या होगा. 73 क्वेश्चन सॉरी, व्हाट इज द आंसर. ग्लोबल वार्मिंग माइट ट्रिगर मीथेन हाइड्रेट. पढ़ा है बताओ फिर इसका आंसर. ग्लोबल वार्मिंग माइट ट्रिगर द रिलीज ऑफ मीथेन गैस फ्रॉम दिस डिपॉजिट्स. लार्ज डिपॉजिट्स ऑफ मीथेन हाइड्रेट आर फाउंड इन आर्टिक टुंड्रा. मीथेन इन एटमोस्फियर ऑक्सीडाइजेस द कार्बन डाइऑक्साइड आफ्टर अ डेकेड और टू. व्हाट इज द आंसर. ए और डी. ऑक्सीडाइज करता है. 1, 2, 3 राइट. मीथेन्स आर ट्रैप्ड. मीथेन जो है ना ट्रैप है. कहां पे ट्रैप है? बीनीथ द सी फ्लोर फ्रोजन इन फॉर्म ऑफ वाटर आइस. इट इज कॉल्ड एज मीथेन हाइड्राइट राइट. मीथेन हाइड्राइट. और जब आइस मेल्ट हो रहा है ना ये, आर यू अंडरस्टैंडिंग? मीथेन हाइड्राइट इज एन आइस That only occurs naturally in the subsurface deposits where the temperature and the pressure conditions are favorable for their formation. Clear hai nahi? Okay. Chalo aage. The sediment and the sedimentary rocks units below the Arctic permafrost, right? Sedimentary deposits along the continental margins, low temperatures, the methane hydrates are stable. But if the water and the seafloor become warmer, the hydrates become breakdown. Okay. Which of the above are released into atmosphere due to burning of crop biomass residue? अभी ये भी controversial हो गया था काफी. क्या क्या release होता है? Methane होगा क्या? Will methane be released? Will methane be released? That is the question. बताओ इसका आंसर. कॉमन सेंस यूज करो ना भैया. ये रिलीज होगा कार्बन मोनोऑक्साइड. नहीं होगा. हाँ, वेहिकुलर एमिशन. क्यों होता है दोस्त? ऐसा नहीं करना है. वेहिकुलर कंसेप्ट. इनकम्प्लीट कंबशन. Incomplete combustion of what? Fuel. What is fuel? Fossil fuel. Fossil fuel is made up of what? ये भी एक दिन fossil fuel बनेगा नहीं बनेगा? बनेगा नहीं बनेगा? Logic लगाओ ना. Clear है नहीं? Right. Sulfur dioxide निकलेगा नहीं निकलेगा? देखो आप क्या eliminate कर पा रहे हो फिर आप? एलिमिनेट कर पा रहे हो? ओके, एलिमिनेट किया आपने. कार्बन मोनोऑक्साइड अगर निकल रहा है आपके हिसाब से तो आपने ये भी एलिमिनेट कर दिया. फिर आंसर क्या रखोगे? ऑल ऑफ द अबव. क्या रखोगे दोस्त आंसर? देखो समझ में आ रहा है राइट. लॉजिक लगाना है दोस्त. उसमें प्लांट है मतलब कार्बन होगा. उसको इन मतलब कंप्लीट बर्न नहीं होगा. वो इसके लिए स्मोक बनेगा. आर यू अंडरस्टैंडिंग? इसके लिए कंप्लीट बर्न नहीं हुआ मतलब सीओ तो बनेगा. और हमने देखा कोयला किससे बनता है? ये प्लांट वन से ही बनेगा. उसमें सल्फर निकल रहा है, इसमें से क्यों नहीं निकलेगा? गेम ओवर हो गया ना. समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा. आप सोचोगे ओजोन प्राइमरी नहीं है सेकेंडरी है, ये सब सोचोगे तो फिर लटक जाओगे दोस्त राइट. चीप इजिएस्ट वे पेस्ट कंट्रोल. बर्निंग ऑफ द क्रॉप रेसिड्यू इज कॉमन. एलिमिनेट वेस्ट आफ्टर हार्वेस्टिंग. बर्निंग ऑफ दिस रेसिड्यू एमिट गैसेज लाइक देखो सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ब्लैक कार्बन, ऑर्गेनिक कार्बन, मीथेन, वोलेटाइल कंपाउंड्स, O3. सब हो गया दोस्त. इन इंडिया यूज ऑफ कार्बोफुरान, मिथाइल पैराथियन, फोरेट, ट्रायोज ट्रायोजोप होज इज यूज विद एप्रीहेंशन. किसके लिए यूज करते हैं?
What are these? Are these pesticides? क्या है? सो आंसर इज पेस्टिसाइड्स. 2019 करंट अफेयर्स. इन एन ऑर्डर टू प्रमोट ऑर्गेनिक फार्मिंग द स्टेट ऑफ केरला हैड ऑर्डर्ड अ बैन ऑन द यूज ऑफ टॉक्सिक पेस्टिसाइड्स ड्यूरिंग दिस पीरियड द केरला एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी वॉज आस्क्ड टू प्रोवाइड अल्टरनेटिव्स. ये सब बैन किया गया है. कार्बो पुरान बिरान जो है ना, राइट, इसके लिए ये न्यूज में था. रामसर पड़ा हुआ, रामसर पड़ा है ना, राइट. तो क्या है इसका आंसर बताओ. अंडर द रामसार कन्वेंशन, आपको वापिस सेशन होगा ना 230 को, राइट. सो 80 तक कर लेते फटाक. अंडर द रामसार कन्वेंशन इट इज मैंडेटरी ऑन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व ऑल वेटलैंड इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया, राइट. मैंडेटरी है, ओके. द वेटलैंड रूल्स वेर फ्रेम्ड बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन. द वेटलैंड रूल्स ऑल्सो एनकंपास द ड्रेनेज एरिया एंड द कैचमेंट एरियाज ऑफ द वेटलैंड एज डिटरमाइंड बाय द अथॉरिटी. क्या होगा आंसर? हाँ, सी, थ्री ओनली. वाई? ओके, इनकम्पास द ड्रेनेज एरिया एंड कैचमेंट एरियाज ऑफ द वेटलैंड एज डिटरमाइंड बाय द अथॉरिटी. तो ये दिया हुआ है, तो थ्री इज करेक्ट. थ्री इज करेक्ट, तो फिर कुछ भी हो सकता है, बी सी डी. वाई टू इज रॉन्ग? आंसर देखो भैया, ओनली थ्री. वाई? ये देखो, रामसर कन्वेंशन साइंड इन 1971, राइट. आर्टिकल 4 ऑफ रामसर कन्वेंशन स्टेट्स दैट ईच कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी शाल प्रमोट द कंजर्वेशन ऑफ वेटलैंड्स एंड वाटरफॉल बाय एस्टैब्लिशिंग नेचर रिजर्व्स ऑन वेटलैंड्स, राइट. वेदर दे आर इंक्लूडेड इन द लिस्ट और नॉट प्रोवाइड एडुकेटली फॉर देयर वॉन्डरिंग. इट इज नॉट मैंडेटरी ऑन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व ऑल वेटलैंड्स इन द कंट्री ऑफ इंडिया. ऑल वेटलैंड्स कैसे करोगे? कीवर्ड हो गया ना आपका ये यहाँ पे. फिर प्रमोट, आपको डेवलपमेंट करना है, एक आधा वेटलैंड निकालना है, कैसे करोगे? ऑटोमेटिकली आपका ये एलिमिनेट हो जाता है दोस्त. क्लियर है नहीं? नाउ व्हाई टू इज नॉट देयर? हाँ, क्यों नहीं है? वेटलैंड कंजर्वेशन मैनेजमेंट रूल 2010 वाज नोटिफाइड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट टू इंश्योर बेटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट टू प्रिवेंट डिग्रेडेशन ऑफ एग्जिस्टिंग वेटलैंड. हाउएवर इट वॉज नॉट फ्रेम्ड ऑन द बेसिस ऑफ रामसार कन्वेंशन. क्लियर? चलो आगे. एग्रीकल्चर सॉइल्स रिलीज नाइट्रोजन ऑक्साइड इन द एनवायरमेंट. अरे बाबू, NO2 इन द एनवायरमेंट. कैटल रिलीज अमोनिया इन द एनवायरमेंट. पोल्ट्री इंडस्ट्री रिलीज रिएक्टिव नाइट्रोजन कंपाउंड इन टू एनवायरमेंट. क्या आंसर है बताओ? क्या होगा आंसर भैया? आंसर क्या है? आंसर क्या है? कौन बताएगा आंसर क्या है? 77 ऑनलाइन स्टूडेंट्स, एग्रीकल्चर सॉइल्स रिलीज नाइट्रोजन ऑक्साइड्स NO2s इनटू. लग रहा है क्या सही आपको? सही लग रहा है? सही लग रहा है कनु? सही है फिर, राइट. नाइट्रोजन पार्टिकल्स मेक अप द लार्जेस्ट फ्रैक्शन ऑफ PM 2.5 द क्लास ऑफ पोल्यूटेंट्स क्लोजली रिलेटेड टू कार्डियोवास्कुलर. दिस सेज द फर्स्ट ईयर क्वांटिटेटिव असेसमेंट ऑफ नाइट्रोजन पोल्यूशन, राइट. तो ये देखो, इंडियन नाइट्रोजन असेसमेंट रिपोर्ट आया था, न्यूज में था. ये आपको भी पढ़ना है, आज असाइनमेंट करो, इंडियन नाइट्रोजन असेसमेंट रिपोर्ट, राइट. बिसाइड इंडियन नाइट्रोजन असेसमेंट हैज ऑल्सो रिलीज अनदर डेटा रिगार्डिंग नाइट्रोजन. क्या है ये? ये देखो, एग्रीकल्चर सॉइल्स कॉन्ट्रीब्यूट ओवर 70% ऑफ N2O एमिशंस फ्रॉम इंडिया फॉलोड बाय अमोनिया प्रोडक्शन. कैटल तो पता है,
बोलो भैया क्या होगा इसका आंसर? देखो ड्यू, ड्यू मतलब क्या है? जो भैया वाटर वेपर था वो वाटर वेपर जो है किसमें कन्वर्ट कन्वर्ट होने वाला है? वाटर वेपर ना, हाँ वाटर वेपर इज गोइंग टू गेट कन्वर्टेड इनटू वाटर ऑन सम सरफेस, दैट इज कॉल्ड एज कंडेंसेशन। बोला है ना? क्यों हो रहा है? क्योंकि दोस्त टेम्परेचर डाउन होता है, टेम्परेचर डाउन हुआ हमेशा याद रखना है, मतलब जो एयर की वाटर कैरिंग कैपेसिटी है वो कम हो गई। टेम्परेचर कम हुआ तो वाटर की, सॉरी एयर की वाटर कैरिंग कैपेसिटी क्या होगी? कम होगी। जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो एयर फैल के बैठेगी तो वाटर कैरिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी। अभी सर क्लाउडी नाइट पे क्या हो रहा है दोस्त? क्लाउडी नाइट पे क्या हो रहा है? यहां से जो अर्थ पे से हीट बाहर निकलेगा, दिन भर तपा है ना जमीन, हीट बाहर निकलेगा, यहां पे क्लाउड्स है, क्लाउड्स वापस रिफ्लेक्ट करेगा उसको नीचे, जा नीचे जा भाई। तो एयर का टेम्परेचर कैसे रहेगा? हाई रहेगा, एयर का टेम्परेचर हाई रहा तो ड्यू बनेगा क्या? ड्यू कब बनता है? सुबह ठंडे ही होनी चाहिए। तो स्काई कैसे होना चाहिए? क्लैरिटी आई है? अब बताओ आंसर क्या है? अब बताओ आंसर क्या है? अबे गधो, अभी भी अगर नहीं आंसर आ रहा है तो फिर कौन सा चैनल लगाना है टीवी पे मैं जाने के बाद? वो आपको पता है राइट? चलो आगे। अकॉर्डिंग टू इंडियन पेटेंट एक्ट, बायोलॉजिकल प्रोसेस टू क्रिएट अ सीड कैन बी पेटेंटेड। पेटेंट एक्ट में आता ही नहीं, हमको पता है इसके लिए अलग है राइट? तो वन इज गॉन। इन इंडिया देर इज नो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अपीलेट बोर्ड, है ना भैया? चेन्नई में है, किया हमने सॉल्व राइट? प्लांट वेराइटीज आर नॉट एलिजिबल टू बी पेटेंटेड इन इंडिया, तो टू इज द आंसर, तो टू एंड थ्री इज द आंसर, बी इज द आंसर राइट? सॉरी थ्री ओनली, देर इज नो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बोर्ड। ओके इसको ये कर दिया था क्या? रिपील कर दिया था ऐसा कुछ तो पढ़ा था हमने फिर राइट? देन थ्री क्या नहीं है? वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड टू ईयर रिजॉल्व अपील्स अगेंस्ट द डिसीजंस ऑफ द एंड ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। ओके नो बोला है, हाँ सॉरी मैं वही बोला कि क्यों ऐसा हो रहा है, हाँ हमने तो पढ़ा था चेन्नई में है ना, हाँ तो दिस इज रॉन्ग, देन दिस ऑल्सो रॉन्ग। खाना खाया नहीं मैंने अभी आज तक, इसके लिए ऐसा हो रहा है। थ्री ओनली इज आंसर राइट? चलो लास्ट, ये तो पता है वॉट इज दिस, हमने सॉल्व भी किया था साइंस एंड टेक में, क्या था ये? डेनिसोवान डायनासोर, ठीक है चलो विल एंड इट हियर नाउ, डायरेक्टली विल गो टू द नेक्स्ट वीक बिकॉज आई वांट टुमारो यू स्टडी प्रॉपरली, गिव द टेस्ट प्रॉपरली ऑन द संडे, आई विल मीट यू डायरेक्टली ऑन द नेक्स्ट वीक, परहैप्स यू कैन से आई एम प्लानिंग कि संडे सैटरडे या फिर संडे मंडे गिर जाके आएंगे राइट? देखेंगे वहाँ पे क्या है राइट? मिट्टी गुजरात की, खुशबू गुजरात की देख के आएंगे। ओके देन लेट अस मीट ऑन मंडे ट्यूजडे व्हेनेवर आई कम बैक। ओके चलो बाय बाय।